हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आई न्यू स्टाइल हैंकी टकिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने पिंक कलर की हैंकी लिए और इस हैंकी से ही मैं आपको जो न्यू स्टाइल हैंकी टकिंग है वो मैं आपको करके दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मैं आ चुकी हूँ और ये देखिए मैंने इस तरीके की ग्रीन कलर की साड़ी वेयर करी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हैंकी ली है इसको मैं एक ट्रायंगल शेप में देखिए इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में देखिए इस तरह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा लेके फोल्ड करते हुए जाऊँगी। आप चाहें तो इसे किसी ज़मीन में भी रख सकते हो या किसी अपने बिस्तर पे रख के भी मोड़ सकते हो, लेकिन मैं देखिए इस तरह से इसे मैंने 2 से 3 बार इसे फोल्ड किया। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से राउंड करना है। तो इसका अपोजिट साइड राउंड करना, यानी कि जिस तरफ से मैंने मोड़ा था उस तरफ से नहीं, उसे पलट कर इस तरह से मोड़ना है। तो इससे ये हो जाएगा फ्रेंड, जो हम लोग मोड़ेंगे तो ये एक फ्लावर शेप में बन जाएगा। मैं टॉवल हैंकी में बता रही हूँ और आप अगर कॉटन की हैंकी में ये बनाएंगे, ये ट्रिक का यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर फ्लावर बनेगा। और देखिए इस तरह से पूरा राउंड शेप करने के बाद में पीछे टक कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और देखिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना था, तो देखिए ये जो मिले बनेंगे, ये जो कपड़ा छोड़े हुए, ये 2 लीप्स बन गई हैं। एक को टक कर लेंगे और एक को बाहर ही रहने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक को बाहर रहने दूंगी और एक तरफ से टक कर लूँगी ताकि हमारी हैंकी गिरे ना। और तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये हैंकी टकिंग वीडियो बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, स्टाइलिश भी है। अगर आप जिस तरह से मैंने पिंक कलर की हैंकी का यूज़ किया है, अगर आप रेड कलर की कॉटन हैंकी का यूज़ करेंगे या रेड कलर की टॉवल हैंकी का यूज़ करेंगे, सो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये टकिंग करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फिर से ट्रायंगल शेप किया हुआ है और ट्रायंगल शेप करने के बाद में अगेन मैंने बीच से मोड़ दिया, तो देखिए ये फिर से ट्रायंगल शेप बनने को तैयार है। फिर नीचे के कॉर्नर को ऊपर सेंटर तक लाना है और याद रखिएगा दोनों के जो कॉर्नर होते हैं सेम ही रखिएगा, नहीं तो हमारी जो हैंकी है ये ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से ये काजू कतली पीस तैयार हो जाती है। तो ये भी टक करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैंने इसे टक किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा शेप बन गया है। और फ्रेंड, इस तरह से हैंकी लगाने में जो इस साड़ी जो हमारी होती है स्टाइलिश भी लगती है और हैंकी हमारे खोने का डर भी नहीं रहता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हैंकी को अगेन निकाला और इसे मैंने फोल्ड किया 4 बार। तो पहले बीच से फोल्ड किया, फिर उसको फिर से बीच से फोल्ड किया। तो आप इसे ऐसे ही टक कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्टाइलिश हैंकी टकिंग वीडियो रेडी है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है ये, और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैं हैंकी को निकाल ली हूँ और ये थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ, यानी कि मैं आगे पीछे करके मैं हैंकी को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। सेम आप ऐसे ही फॉलो करिएगा। अगर आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने बिस्तर पे रख के इसे फोल्ड करिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में मेरे सारे जो प्लेट्स होती हैं हैंकी को उन्हें मैं बराबर कर रही हूँ जिसे छोटा बड़ा ना बने। तो इस तरह से देखिए एक अच्छा सा हाफ फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं, मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं किया था। आप सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और इस तरह से मैं इसे टकिंग कर लूँगी, हाफ टकिंग करूँगी और हाफ बाहर रहेगा। तो देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टाइलिश लुक बन के तैयार है। तो जिस तरह से मेरा थोड़ा सा ही बिखर गया था, अगर आप सेफ्टी पिन का यूज़ करोगे तो फ्रेंड ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड अगले के लिए मैंने ये कॉटन की हैंकी का यूज़ इसलिए किया क्योंकि पहले मैं जिस हैंकी से कर रही थी उससे वो स्टाइलिश लुक बन नहीं रहा था,
इसी वजह से मैंने कॉटन की हैंकी ली है और सेम जैसे फॉलो किया था सेम वैसे ही अभी भी मैं फोल्ड कर रही हूँ आगे पीछे करके, और सारी प्लीट्स को एक बराबर रखना है, मैंने बीच से पकड़ा हुआ है और दोनों बराबर करके मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं और हैंकी की सारी प्लीट्स को अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि टक करने में बेकार ना लगे और इससे हम टक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना अच्छा ये लुक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।